अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट। यार आज का हमारा जो प्लान है वो है कि हम 3 दिन के लिए काफ़ी बिजी होने वाले हैं, क्योंकि हमारे एक इवेंट आ रहा है पेलिकन फेलोशिप के नाम से, और वो साउथ पंजाब का हम सेकंड फेज करवा रहे हैं। वो 3 डेज का होगा, तो हम उसी के बिजी रहेंगे। और मैं मैनेजमेंट टीम में हूँ, और ये मेरा कार्ड। और आपको अभी मैं सेटिंग वगैरह करवाने आया हुआ था, सेटिंग करवा ली सारी अभी, तो सेशन अब स्टार्ट होंगे और आपको पूरे दिन की फिर अपडेट देते रहूँगा साथ साथ। इस दफ़ा का हमने जो मेन्यू रखा है वो बहावर में लतस का होटल है, जो बड़ा अच्छा बना हुआ। जो पहले हम जो वहाँ दिखाया था वो था हमारा जहाँ पे सारे सेशन वगैरह करवाए जाएंगे, और खाने के लिए यहाँ पे सीन होगा। और इसके अलावा बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये बाहर का व्यू है। इंट्रो भी करवाएंगे। भाई अपना इंट्रो बता रहे हैं। मैं शेखपुरा से आया हूँ, फैसल। और क्या करते हैं आप? मैं फॉल्क ट्रेडिंग करता हूँ। और इधर किस काम से हैं? मैं इधर लोगों से मिलने आया। क्या बोला तूने? एक पहले अभी दो लोग पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने जाना है। तो ये यहाँ का व्यू है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इंस्ट्रक्शन है नूर महल के वाले से, क्योंकि आपको शायद पता होंगे वो आर्मी के अंडर है और सिविल के अंडर नहीं है। अभी राइज आ गए हमारे पास, ये खाने लगे हैं और पार्टिसिपेंट सारे उधर बैठे खा रहे हैं। दूसरी तरह हम जो मैनेजमेंट वाले हैं वो स्पेशल तरीके से थोड़ा सा खा रहे हैं, तो खा के आपको बताता हूँ कैसे बने हुए हैं। मज़ेदार। तो यार खाना खा के फ्री हो गए हैं, अब निकलने लगे हैं नूर महल के लिए। तो विजिट करते हैं नूर महल का, पहले अंदर से दिखाएंगे सुबह के टाइम का व्यू, और फिर रात को जब लाइटिंग शो होगा तो वो इन्हें दिखाएंगे। दो तीन एक होते हैं, एक तो
तू मैंने में लड़वाई चाह रही नूर महल ने घुमा लिया है और डिफरेंट सेशन भी करवा लिया हम लोगों ने। तो अभी रात हो चुकी है और आधे घंटे के बाद ना लाइटिंग शो होगा, तो लाइटिंग शो देखने के बाद फिर हम लोग वापस होटल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमारा डिनर होगा। डिनर के बाद आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा और फिर कल का न्यू फिर जो एक्टिविटीज़ होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रहेंगी। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में अपनी यार हम लोग इवेंट से वापस आ गए थे। मेरे ना मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया था मेरा, तो इस वजह से ना मुझे या मैं वीडियो नहीं बनाई। अब यहाँ पहुँचे हैं और डिनर करने लगे हैं। डिनर करने के बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या खाना हमारे पास आ गया है। यह है राइस, फ्राइड राइस है, उसके साथ है हमारे पास चिकन। यार आज सुबह मैंने राइस खाए थे, अब चिकन ट्राई करते हैं। खाना तो हमने खा लिया, खाना बड़ा मज़ेदार बना हुआ था माशाल्लाह। तो उसके बाद मीठा भी खा लिया, लेकिन मीठे की मैंने नहीं दिखाया, देखो क्या हालात की हुई है। हमारे दो गेस्ट आए हुए हैं, असलान साहब और हमारी, ये इनके सूरत हाल है। बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। सुबह हम 5 बजे के उठे हैं और अभी रात के 1 बज चुका है और अभी हम रेस्ट बिल्कुल भी नहीं की। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफिज़। Thank you.